नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के स्टूडियो में मुथूट फाइनेंस से आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। जो दोस्तों मुथूट फाइनेंस वेबसाइट या पर्सनल एप्लीकेशन से आप जो है कि पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इंस्टेंटली आपको जो है कि ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी लोन, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये एक NBFC कंपनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके सिविल पर इम्पैक्ट कोई भी यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ना आपको हरेसमेंट वगैरह का होगा ऐसा कोई भी दिक्कत। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चार्जेस वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में देखा है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। चलो बढ़ते वीडियो में आगे की ओर, वहाँ पे हम जो है कि इसमें A to Z अप्लाई करके देखते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप मुथूट फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने जो है कि दो महाशय सामने देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इनके जो है ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत जानी मानी कंपनी है ये। तो आपको जो कि यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई या फिर कोई सा भी लोन लेना है, तो आपके सामने यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग की ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जो भी लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर वाई चूज अज, इनने बताया है कि क्यों हमें चूज़ करना पड़ेगा आपको, ये सब कुछ उनने बताया है, ठीक है। तो चलो हम जो है कि जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में। आपको सिंपली यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन, चाहे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो कि सर्विस में जाना, आपको सर्विस में जाने के बाद में पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो कि पर्सनल लोन का टैब खुल जाएगा। अगर आप जो कि इनसे बात करना चाहते हैं, कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो आप जो कि इनसे बात कर सकते हैं बिना किसी हिचक से, क्योंकि पूरी जानकारी आप लेना पहले देनी आप जो कि इसमें अप्लाई करना। और जो है कि आपकी कोई भी क्योरी है तो आप जो कि यहाँ से सारी क्योरी आपकी सारी सोल्व हो जाएगी। कितना इंटरेस्ट आपको लगेगा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो डिटेल्स में हम देख लेते हैं पहले इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कॉल नंबर भी है, तो यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं। और जो है कि किसी फ्रेंड को आप लोन दिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बोटल जो है इनके मर्चेंडाइज वगैरह ये भी जीत सकते हैं, यानी कि आपको हर रेफर पे मिल ही जाएगा ये, तो बट सक्सेसफुल रेफर आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, देन वो उसके उस पर लिंक जाएगी वो। चलो हम जो है कि अब इसके बारे में देख लेते हैं। पर्सनल लोन दिया गया है, पर्सनल लोन के बारे में बताया गया है क्या पर्सनल लोन है और कैसा यहाँ पर जो है कि इनका टर्म्स एंड कंडीशन है। इनके पार्टनर जो है, इनके पार्टनर बहुत सारे यहाँ पर लिस्टेड है, तो आप जो भी चाहें इन पार्टनर से आप पर्सनली भी लोन ले सकते हैं चाहे तो। इनमें से किसी एक के द्वारा आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलो हम इसमें देख लेते हैं मुथूट फाइनेंस में अप्लाई करके। अब जो है कि यहाँ पर EMI कैलकुलेटर दिया गया है सबसे पहले, तो चलो EMI कैलकुलेटर हम देख लेते हैं यहाँ का, कि EMI कैलकुलेटर के हिसाब से हमें जो कितना लोन मिलेगा और कितनी EMI हमें जो है कि यहाँ पर देनी होगी कितने लोन पर। तो यहाँ पर आपको सामने यहाँ जो है कि इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा, सॉरी यहाँ पर आपके कैलकुलेटर का सिंपली पर्सनल लोन कैलकुलेटर का दिखाई दे रहा है। सिंपली आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से हम जो है कि यहाँ पर 2 लाख लगा दिया हमने, ठीक है, 2 लाख का राउंड। अब जो है कि यहाँ पर हमें 36 महीने की EMI हम चाहते हैं, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 36 महीना कर दिया है। तो उसमें आपको जो है कि मंथली जो EMI आएगी वो आएगी आपकी 7,276 के अराउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो कि EMI का लगेगा। अब जो इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो आगे हम देखेंगे, इनका इंटरेस्ट रेट का थोड़ा अलग लफड़ा है थोड़ा सा। और चलो यहाँ पर आगे की प्रोसेस में हम चले, तो यहाँ पर आपको सिंपली इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करना है। इंटरेस्ट रेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट रेट के बारे में जो है कि यहाँ पर आपका पूरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट इज़ ए पर्सनल लोन बताया गया है, EMI कैलकुलेटर आ गया है, अब जो है कि आया है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर उन्होंने बताया है क्लियरली, यानी कि यू नहीं लिखा कि आपका क्लियरली कि आपको 13% या 12% ऐसे लगेगा। उन्होंने ऐसा बताया है कि आपके जो भी जियोग्राफिकल एरिया वगैरह, उसके बाद में आपका हिस्ट्री, उसके बाद में आपका जो कि सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ चेक करके जो भी यहाँ पर उनके बेस्ट से बेस्ट वो देना चाहेंगे, वो उतना आपको जो है कि यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अराउंड माने आप तो यहाँ पर 12% के अराउंड तो पर आपका जो कि रहेगा ही रहेगा, इतना तो रहेगा, बट क्लियरली नहीं बताया है। उन्होंने बताया, देख लेना आप, देखिए फैक्टर बताया है कि इंटरेस्ट रेट आपका किस प्रकार से यहाँ पर देखना जाएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में कोलेट्रल, उसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट स्कोर, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टडी इनकम, उसके बाद में यहाँ पर जो है कि इनकम लेवल ऑफ रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेप्थ इनकम रेशियो, एज ऑफ बोरोवर, ये सब देखने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे की प्रोसेस हम देख लेते हैं आगे क्या है हमारे सामने। अब प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी की बात करें हम,
तो प्रोसीजर एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर एलिजिबिलिटी में आपके जो है कि प्रोसीजर तो पूरी बताएंगे कि आपको कैसे यहाँ कैसे अवेल करना है इस लोन को, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो भी यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया है, तो ये सारा हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसके बारे में। तो चलो अवेल करने का, तो इन्होंने बताया है कि आप जो कि यहाँ से पर्सनल लोन के अप्लाई कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हम बात करें तो विद द डेली फील्ड पर्सनल लोन एप्लीकेशन सैलरी इंडिविजुअल आर आल्सो रिक्वायर सबमिट देयर सैलरी सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। दैट एप्लीकेंट शुड कीप रेडी टू इंक्लूड देयर आईटी रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी कि आईटी रिटर्न का आपको जो लास्ट 3 ईयर का यहाँ पर देना होगा, आईडी प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। सैंक्शन अथॉरिटी में भी डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें भर लेना। और भी अब जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉय, यहाँ पर जो कि दोनों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसका आप देख सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल एंड ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल दोनों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख बेसिक क्राइटेरिया पर्सनल लोन, द पर्सनल जो है कि आपका 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। ये इनकी यहाँ पर क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी जो भी मांगे वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी जो बताएंगे वो। और यहाँ पर आपका सैलरी इंडिविजुअल वगैरह तो बता दिया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो है कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर जो पब्लिक वर्किंग यानी पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर एंड अदर इंडिविजुअल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, इनमें आपकी जॉब होनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड भी अप्लाई कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस में, जो यहाँ पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। बट उनको यहाँ पर 100% कोलैटरल सिक्योरिटी यहाँ पर देनी होगी, यानी कि जितना भी लोन वो चाहते हैं उसके बदले में आपको जो है कि उतने पैसे की चीज़ यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी कोलैटरल कैन बी प्रोवाइडेड, कोई भी आरबीआई बॉन्ड हुआ, एलआईसी पॉलिसीज हुई, जो भी आपका चल रहा है, यानी कि आप ज़मीन की यहाँ पर आपकी पट्टी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर टेंजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पर देनी होगी, तब जो है कि यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका कुछ नहीं, किसी भी एक जॉब में आपका होना चाहिए, देन आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लग गया है, जो कि जल्दी इसके बारे में देख लेते हैं। फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या देखा जाएगा, सेम वैसा का वैसा जैसा हमने इंटरेस्ट रेट में देखा था, वो सारा जियोग्राफिकल एरिया, आपके हिस्ट्री वगैरह सब देखा जाएगा, ठीक है। अब जो कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हमने देख लिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ देख लिया। ट्रैकिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो ट्रैकिंग करने के लिए आपको जो कि यहाँ पर कोई पास के नज़दीकी बैंक में या फिर आप जो इनके कस्टमर कॉल बात करके आपका यहाँ पर जो है कि आपकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। और पर्सनल लोन एप्लीकेशन ऑनलाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम, रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए, और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूरत पड़ेगी आपको। डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पर देख लिया है डॉक्यूमेंट का, अगर जो कि नहीं देखा है तो हम एक और बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड, जो भी कार्ड आपका यूटिलिटी बिल यानी कि बिजली बिल आपका काम चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ के आपका जो बैंक स्टेटमेंट देना होगा, पासबुक या प्रीवियस 6 मंथ का आपका जो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर देनी होगी, जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर जो है कि दिया गया है, ये सैलरीड पर्सन के लिए था, अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये सारे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका इनकम प्रूफ, बिजनेस आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस, उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑफिस का आपका ओनरशिप का देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ओनरशिप देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कि सैलरी स्लिप में सैलरीड पर्सन है तो आपको फॉर्म 60 भी देना पड़ेगा और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं इसमें अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें अप्लाई नो का आ जाएगा, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा आपका, ये देख लीजिए अप्लाई नो, सिंपली आपको अप्लाई नो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है कि आपको बेसिक डिटेल्स देनी होगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको सबमिट डिटेल्स कर देना है, ठीक है। तो ये सारी आपको फिल करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आपकी बीड तो जनरेट हो जाएगी, बट आप सैलरीड पर्सन है तो आपको जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको सैलरीड पर्सन लोन, सिंपली आपको अप्लाई नो ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको जो है कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है जो भी आपका एरिया वो सिलेक्ट कर लेना है,
सैलरीड पर्सन के लिए सैलरीड मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड आपका डालने के बाद में वेरीफाई कर देना है। देन आपके जो कि आगे की सारी प्रोसेस आएगी वो सारी फिल करना पड़ेगा। तो हम जो कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर है, तो हम जो कि यहाँ पर नाम और फर्स्ट नाम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, सर्विसेबल एरिया नहीं कि आपका एरिया बता देना है, एक्सेप्ट करना है। देन आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी सबमिट कर देना है। देन आपका जो है कि यहाँ पर आपकी बिड सक्सेसफुल हो जाएगी। देन आपको कॉल आएगा, उस कॉल में आपको जो पूरी जानकारी पूछेंगे आप, सॉरी पूरी जानकारी बता देना, आपको जो पूछना है वो भी पूछ लेना। देन आपको जो है कि यहाँ से लोन 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और इसमें जो है सैलरीड पर्सन में आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देंगे। वो आप जो चेक करना चाहते हैं एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका भी चेक कर सकते हैं, दोनों में आप चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाओ जाना। मिलता हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।